गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मॉनसून मेकअप हैक्स कि आप मॉनसून में अपने मेकअप को कैसे लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, कौन सा प्रोडक्ट यूज ना करें। सो आई रियली होप कि आपके लिए वीडियो यूजफुल रहे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो फॉर माई फर्स्ट हैक आपको चाहिए होगा एक आइस क्यूब को लेकर के आप एक कॉटन की क्लोथ में रैप कर लीजिए एंड देन अपने फेस पे इसको डैबिंग मोशन में या फिर आप सर्कुलर मोशन में इसको अप्लाई करिए। आइस क्यूब को हल्के हाथों से मसाज करना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। इससे जो आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होती है, आपका जो मेकअप होता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, आपकी स्किन पे अगर कोई रेडनेस वगैरह है उसको भी ट्रीट करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन लूज़ हो रही है वो टाइटन अप करने में हेल्प करता है, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने में हेल्प करता है, आइज़ के नीचे जो हमारे पफिनेस वगैरह होती है उनको भी ट्रीट करने में हेल्प करता है आइस क्यूब। आइस क्यूब अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे अप्लाई करना है प्राइमर, तो आप कोई से भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे NYBE का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इनके इस प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको टी जोन एरिया पे अप्लाई करना है प्राइमर को, क्योंकि हमारे टी जोन एरिया पे ही ज़्यादातर ऑयलीनेस होता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी आपको टी जोन एरिया पे अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि जो प्राइमर अप्लाई करते हैं उससे हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं वो क्लॉग नहीं होते और जो हमारा जो बेस मेकअप होता है वो बहुत ही स्मूथली ग्लाइड होता है। तो बेस मेकअप के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी कंसीलर। फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम फाउंडेशन यूज़ नहीं करते। आप चाहें तो इसकी जगह पे बीबी क्रीम या सीसी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कंसीलर यूज़ किया है। ये कंसीलर है बहुत ही अच्छा है गाइस, आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे कंसीलर ले लिया है जितना मुझे ज़रूरत है और उसके बाद मैंने इसमें मिक्स किया है एक पंप कोई भी मॉइस्चराइज़र। जो भी मॉइस्चराइज़र आपके पास है आप उसको मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड देन अप्लाई करिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करिएगा कंसीलर के साथ, अदरवाइज़ आप जो मॉइस्चराइज़र है उसको स्किप कर दीजिए, डायरेक्ट कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो ये वाला हैक है ना उससे आपको मीडियम कवरेज मिलेगी, फुल कवरेज तो नहीं कहूँगी बट मीडियम कवरेज मिल जाएगी। रेगुलर बेसिस के लिए मीडियम कवरेज काफ़ी रहता है, स्किन टोन जो होती है उसको इवन आउट कर देता है, डार्क स्पॉट्स हैं एक्ने मार्क्स हैं वो भी ये अच्छा खासा कवर कर देता है। कुछ ऐसा नहीं है कि आपके ब्लेमिशेस वगैरह दिखते हैं, बहुत अच्छे से हाइड कर देता है ये, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हैवी मेकअप करेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो मेकअप मेल्ट हो जाए। तो ये वाला हैक जो है वो बहुत ही लाइट वेट है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। ये वाला हैक आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देन सेम कंसीलर लेकर के मैं अपने अंडर आई एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं अपने आईलेट्स पे भी अप्लाई करूँगी एज अ बेस, और फिंगर की हेल्प से ही मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी और सेट कर दूँगी। यहाँ पे हमें कोई भी ब्रश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फिंगर की हेल्प से एक अच्छा खासा सेट हो जाता है। बेस मेकअप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का लूज़ पाउडर, और आप कोई सा भी कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और नोज़ एरिया के पास बहुत अच्छे से सेट करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रीज लाइंस वहीं बनती हैं, तो नोज़ के अराउंड बहुत अच्छे से सेट करना है लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर से। देन जो भी एक्सेस पाउडर हो उसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लेना है। सो नेक्स्ट हैक के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आईब्रो पेंसिल, या फिर आपके पास अगर जेल पोमेड हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे आईब्रो पेंसिल है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आईब्रो को फिल करने के लिए मॉनसून के टाइम पे कभी भी पाउडर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, जेल फॉर्म बेस या फिर क्रीम बेस प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिपचिपाहट होती है या फिर मॉनसून के टाइम पर बारिश वगैरह होती है तो वो वॉश आउट होने के चांसेस होते हैं। अगर आपके पास ब्रो पोमेड या फिर आईब्रो पेंसिल नहीं है तो आप घर पे ही आराम से ब्रो पोमेड बना सकते हैं। आपके पास कोई भी ब्राउन आई शेडो हो वो ले लीजिए एंड उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स कर लीजिए और उसके बाद उसको आईब्रोज फिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छा खासा सेट हो जाता है, तो आप उसको एज अ ब्रो पोमेड बना करके यूज़ कर सकते हैं। फॉर माई आई शेडो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर का काजल, और उसको मैं ऐसे ही अपनी आईलेट पे अप्लाई कर लूँगी थिक एंड उसके बाद उसको स्मच कर लूँगी फिंगर की हेल्प से ही,
और इसके बाद एक ब्रश की हेल्प से ब्राउन आई शेडो से उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। इन केस आप आई शेडो अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो ये स्किप कर सकते हैं स्टेप, और अगर आप किसी दूसरे कलर का आई शेडो अप्लाई करना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि वो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट हो। इन केस आपके पास क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट ना हो, आई शेडो नहीं है, तो आप कोई भी लिपस्टिक ले करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं अपने आईलिड्स पे। सो मैंने यहाँ पे काजल को स्मच कर दिया है अपने आईलेट पे, और उसी काजल को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी फिंगर के हेल्प से ही अप्लाई कर लूँगी। मैं यहाँ पे कोई काजल अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत सॉफ्ट लुक रख रही हूँ, क्योंकि हम डेली बेसिस पे भी आई शेडो इतना इंटेंस आई शेडो यूज़ नहीं करते हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट लुक रख रही हूँ मैं यहाँ पे। देन सेम आई शेडो जो मैंने ब्राउन कलर का लिया था आईलेट पे, उसी को मैं थोड़ा सा लैश लाइन पे भी स्मच कर रही हूँ। सो फॉर माई नेक्स्ट हैक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लिपस्टिक एज अ ब्लश। अगर आपके पास क्रीम बेस्ड ब्लश है या फिर स्टिक ब्लश है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पाउडर ब्लश था, इसके लिए मैं यहाँ पे लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ एज अ ब्लश। तो इस लिपस्टिक को थोड़ा थोड़ा करके मैं अप्लाई करूँगी अपने चीक्स पे, एंड देन उसको फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर दूँगी, और बहुत ही सॉफ्ट रखूँगी, ज़्यादा इंटेंस नहीं करूँगी इसको, बहुत ही लाइट रखना है। कभी भी आपके साथ ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर हैं, आपके पास ब्लश नहीं है, आपको ब्लश यूज़ करना है, तो आप रेड कलर की लिपस्टिक या फिर पिंक कलर की लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हैं। और जो लिपस्टिक होती है वो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट होती है या फिर लिक्विड लिपस्टिक होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा समय तक स्टे करती है आपके चीक्स पे एज़ कम्पेयर टू पाउडर ब्लश। अब मैं यहाँ पे अपने आईलैशेस को कर्ल कर रही हूँ आईलैश कर्लर की हेल्प से, एंड देन मैं उसके बाद अप्लाई करूँगी मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा। और ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, तो मानसून में वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मेल्ट नहीं होगा, स्मज नहीं होगा। और आईलैशेस को आप कभी भी मस्कारा अप्लाई करने से पहले एक बार कर्ल कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए अपना मस्कारा, तो आपका जो आई लुक है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। कई बार क्या होता है कि हम आईलैशेस पहले कर्ल नहीं करते हैं और बाद में कर्ल करते हैं मस्कारा लगाने के बाद, तो जो हमारे आईलैशेस होते हैं वो आपस में स्टिक हो जाते हैं और क्लमजी लुक देते हैं। तो अगर आप पहले से ही कर्ल कर लेंगे और उसके बाद मस्कारा कोट करेंगे तो आपका आई लुक बहुत अच्छा लगेगा। फॉर माई नेक्स्ट हैक मैं यहाँ पे लिपस्टिक की जगह यूज़ कर रही हूँ लिप लाइनर, और इससे मैं पहले अपने लिप्स की आउटलाइनिंग करूँगी एंड देन इसी लिप लाइनर की हेल्प से मैं अपने पूरे लिप्स को भी फिल कर लूँगी। आप लिप लाइनर की जगह लिक्विड लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, मैट लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लिप कैरियन भी यूज़ कर सकते हैं। बस आप लिप ग्लॉस या फिर जो ग्लॉसी लिपस्टिक होती हैं उसको अवॉइड करिएगा मानसून के टाइम पे। जब आप अपना लिपस्टिक अप्लाई कर लें उसके बाद एक टिश्यू पेपर की हेल्प से लिपस्टिक को थोड़ा सा ब्लॉट कर लीजिए, एंड उसके बाद आप दोबारा से अपने लिपस्टिक को अप्लाई करिए, तो आपकी जो लिपस्टिक है वो ट्रांसफर प्रूफ हो जाती है और लॉन्ग लास्टिंग रहती है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर, और ये एक स्टिक फॉर्म में है, काफ़ी क्रीमी प्रोडक्ट है और बहुत देर तक स्टे करता है फेस पे, और एक नेचुरल सा ग्लो देता है ये हाइलाइटर, कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं है इस हाइलाइटर में। तो मैं इसी को फिंगर की हेल्प से ही अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर लूँगी और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। आप कोई भी हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड हाइलाइटर या फिर क्रीम बेस्ड हाइलाइटर, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। इन केस आपके पास कोई सा भी लिक्विड हाइलाइटर या फिर क्रीम बेस्ड हाइलाइटर नहीं है तो आप घर में अपने पाउडर हाइलाइटर से बना करके यूज़ कर सकते हैं। आपके पास पाउडर हाइलाइटर जो भी हो आप उसको थोड़ा सा ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स करिए, और बहुत अच्छे से मिक्स करके उसको अपने फेस के हाई पॉइंट्स पर अप्लाई कर लीजिए और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। सो मेरा मेकअप यहाँ पे कंप्लीट होता है, और मैंने यहाँ पे एडीएस का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है अपने मेकअप को सेट करने के लिए। मेकअप कंप्लीट होने के बाद कभी भी अपने फेस को ऐसे मत छोड़ना, मेकअप सेटिंग स्प्रे से आप अपने फेस के मेकअप को अच्छे से सेट ज़रूर कर लेना। सो
सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो। वीडियो यूजफुल रही है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।